हे बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो वेलकम टू आपका प्यारा सा चैनल स्टडी विद अतुल सिंह। तो बच्चों, आज हम लोग का मोशन में स्ट्रेट लाइन का पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, जो पार्ट 4 है आपका, उसमें 3.6 दैट इज कौन सा रहेगा आपका, काइनेमैटिकल इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। तो ये आपका 3.6 आपका टॉपिक है। ठीक है, सो इसमें जो टर्म है काइनामेटिकल इक्वेशन, मतलब जो भी इक्वेशन हम लोग लेके आने वाले हैं वो आपका लीनियर मोशन का इक्वेशन रहेगा। ठीक है, जो भी स्ट्रेट मोशन रहते हैं ना उसका इक्वेशन रहेगा। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन मतलब मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन होता बोलते हैं। ठीक है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म में आपको मैं बता चुका हूँ। ठीक है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब सपोज एक्सेलरेशन है, ये टाइम है, तो जो टाइम वन सेकेंड टाइम आपका बढ़ते जा रहा है। ठीक है, टाइम बढ़ रहा है तो जो एक्सेलरेशन है वो आपका हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है। ठीक है, हर सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये समझा बच्चों, तो इसको हम लोग हर सेकेंड में आपका 2 मीटर सेकेंड पर स्क्वायर सेकेंड एक्सेलरेशन ही बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। अब उसका हम लोग को काइनेमेटिकल इक्वेशन निकालना है, मतलब कोई भी बॉडी चलती है रास्ते पे लीनियर मोशन, उसको हम लोग रेक्टिलीनियर मोशन भी बोलते हैं। तो उसके अलग अलग टाइप के मोशन हो गए, या फिर कोई बॉडी चल रही है वर्टिकली या फिर सॉरी हॉरिजॉन्टली, या फिर कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है। ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी, तो वो भी एक्सेलरेशन की वजह से गिरता है और वो भी आपका यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ही रहता है। तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रहती है उसकी वैल्यू रहती है 9.8। तो जो भी आपका एक्सेलरेशन बॉडी पे रखता है वो आपका सेम लगता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इतना ही लगता है। ठीक है, तो वो भी आपका सेम ही रहता है, हर सेकेंड में आपका उस बॉडी पे जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही लग रहा है, चाहे बॉडी हॉरिजॉन्टल में चल रही है चाहे वर्टिकल में गिर रही है, लीनियरली, लेकिन रेक्टिलीनियर या फिर लीनियर ही चल रहा है बॉडी, उसका हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशन देखेंगे। तो बच्चों, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको पहला इक्वेशन आ गया था हम लोग का, याद है एक्सेलरेशन से निकाला था v = v0 + at, ये इक्वेशन हमने निकाला था, याद है ना। हाँ, तो याद रखना आप। अब इससे हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालेंगे, तीसरा इक्वेशन निकालेंगे, सारे इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो आपको ग्राफ दिख रहा है ये इस इक्वेशन का ग्राफ है, v = v0 + at। इसके पहले हम लोगों ने ग्राफ देखा हुआ है ना, ऐसे देखा हुआ है ना, ऐसा बोलना मत कि नहीं देखा हुआ यार। अब ये देख लो, ये वाला पहला वाला ग्राफ। ठीक है, ये जो फर्स्ट वाला ग्राफ हमने पिछली बार किया था ना, इस ग्राफ को मैंने आपको बताया था, तो ये सेम है, सेम ग्राफ है, बी नॉट से स्टार्ट है और वो बी तक गया है, ये सेम ऐसा ग्राफ है, बी तक गया है, ए से स्टार्ट है, तो ये ऐसे ही कुछ ग्राफ है। ठीक है, तो बच्चों अभी देखो, इसका जो इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का था, इनिशियल वेलोसिटी बी नॉट था और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आया, वी पर आया, तो इसका मतलब ये फाइनल वेलोसिटी ज्यादा है इनिशियल वेलोसिटी, तो ऑब्जेक्ट जो भी वो मूव कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है और एक्सेलरेशन भी यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, अब मैंने इसको एक एसी एक स्ट्रेट लाइन बना दिया यहाँ पे, तो ये हो गया आपका एक रेक्टेंगल में डिवाइड हो गया, ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है ये, और दूसरा आपका ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो बच्चों मैंने आपको इसके पहले एक बताया था, क्या बताया था, कि जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम में जो भी आपका एरिया कवर होता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये आपको बताया था, तो चलो हम लोग इसका एरिया कवर निकालते हैं, एरिया ऑफ ए बी सी डी ओ, मतलब ए बी सी डी ओ, इस पूरे का एरिया निकालते हैं। तो अगर मैं पूरे का एरिया बात करूं तो उसमें दो फिगर दिख रहा है मुझे, एक तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी प्लस दूसरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मैंने साइन लगा देता हूं, चलो ठीक है। ठीक है, तो अब देखो, अब यहां तक वी है और ये पूरा यहां तक, सॉरी वी नॉट है, इतना पार्ट आपका वी नॉट है, इतना पार्ट ये वी नॉट है, और ये पूरा यहां से लेके यहां तक क्या है, वी है ना, ये पूरा यहां तक वी है ना, ये देखो ना, अब स्ट्रेट पैरेलल लाइन मान लो, यहां तक वी है जीरो से लेके, तो इतना क्या होगा, सिंपल क्या होगा बताओ, वी माइनस वी नॉट होगा, है ना, ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक वी माइनस वी नॉट होगा, सिंपल है, इतना माइनस इतना होगा, ये आपका ये वही हो गया वी माइनस वी नॉट।
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इस ट्राइंगल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग बेस ये लेंगे, ठीक है, या कुछ भी ले लो, हाइट ये ले लो या बेस ले लो, कुछ भी ले लो। तो चलो मैं इसको हाइट ही ले लेता हूँ, बेस मैं इसको ले लेता हूँ। तो हाफ इंटू बेस, बेस ये क्या रहेगा, बेस ये है आपका टी, है ना, ये पूरा टी है ना, ये पूरा पार्ट टी है। तो हाफ इंटू बेस, बेस इज टी इंटू हाइट, हाइट तो ये रहेगा ना फिर। अब हाइट क्या है, हाइट यहां से लेके यहां तक है बस, दैट इज वी माइनस वी नॉट होगा, ठीक। प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ, ए सी डी ओ इसका एरिया क्या होगा, लेंथ, ये जो लेंथ है इंटू ब्रेथ कर दो। तो लेंथ आपका टी है, अरे यार ये मार्कर को भी हो जाता है, इंटू ब्रेथ वी नॉट है, ठीक है। तो इसको मैं ऐसा लिखता हूं, मल्टीप्लीकेशन का जो साइन है ना उसको थोड़ा साइड हटा देता हूं, बस ऐसा लिखता हूं, प्लस वी नॉट इंटू टी, ठीक। इतना तो समझ में आ गया भाई। अब आगे क्या करें, तो ये जो आया बच्चों आपका, अभी देखो देखो यहां पे ध्यान से देखना, ये जो आपका पहला इक्वेशन है, पहला वाला, फर्स्ट वाला, ये फर्स्ट वाला, क्या इसमें मैं क्या कर सकता हूं, वी नॉट को उधर भेजता हूं, इसको मैं ऐसा लिख देता हूं, हाँ वी नॉट को अगर मैं उधर देता हूं तो v माइनस वी नॉट क्या हो जाता है, यहां पे 80 हो जाता है। v माइनस वी नॉट क्या होगा, 80। तो ये जो v माइनस वी नॉट है, v आपका फाइनल वेलोसिटी होता है, वी नॉट आपका इनिशियल वेलोसिटी होता है। इसके बदले मैं क्या कुछ लिख सकता हूँ, हाँ सीधी सी बात है भाई, ऊपर दिख रहा है मेरे को, लिख सकता हूं मैं, तो हाफ 80 इंटू टी, दैट इज टी स्क्वायर, ये टी भी आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, प्लस वी नॉट टी। अब जो मैंने बोला है एरिया, ये पूरा एरिया किसका है, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का एरिया जो कवर रहता है डिस्प्लेसमेंट होता है, सिंपल है, अपने को पता है, अपने को पता है भाई। तो देखो ये यहां से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल्स टू, इसको आगे ले लो, वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गया आपका दूसरा काइनेमेटिकल का इक्वेशन। पहला ये था, पहला तो अपने को इसके पहले वाले पार्ट में मिल गया था, दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन यहां से इससे मिल गया, इसके ग्राफ से मिल गया, ठीक है, ये समझा। तो दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन हमको मिल गया। काइनेमेटिकल इक्वेशन ये किसका है, लीनियर मोशन का है, या फिर रेक्टिलीनियर मोशन भी आप बोलते हो लीनियर को, ठीक है। तो ये दो मिल गया, अब हमको तीसरा निकालना है, ठीक। तो चलिए भाई तीसरा भी निकाल लेते हैं। अब बच्चों जो तीसरा हम लोग इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है, वो आपका हम लोग दूसरे से ही निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे पहले इसको रख दो, दूसरा इक्वेशन आपका क्या आता, एक्स इज इक्वल्स टू वी नॉट टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये आया था, ठीक है, यही आया था, ओके। लेकिन इसके पहले हम लोग का जो इक्वेशन आया था, एक इक्वेशन आया था, देखो ये ए के बदले मैंने ये पुट किया था ना, तो इसको मैं क्या ले सकता हूँ, वी नॉट टी हाफ, ए के बदले मैंने ये लिया था ना, वी माइनस वी नॉट, ये देखो ना ऊपर, और यहाँ पे एक टी था, इसके बदले ही सब्सिट्यूट किया था ना मैंने 80, है ना, इसके बदले, तो वही चीज हो गया, मैंने वापस रिवर्स कर रहा हूँ उसको, और कुछ नहीं, ये हो गया। अब एक काम करो आप, उसको मल्टीप्लाई कर दो अंदर, वी नॉट टी प्लस हाफ वी टी प्लस हाफ, सॉरी माइनस, बीच में माइनस है, सॉरी माइनस, प्लस इंटू माइनस माइनस हाफ, हाफ तो इसके साथ भी रहेगा और टी भी इसके साथ रहेगा, तो वी नॉट टी, क्या ऐसा हो गया। अब देखो ये वी नॉट टी, ये वन वी नॉट टी है, माइनस हाफ वी नॉट टी, तो हाफ वी नॉट टी बचता है, सिंपल है ना, तो हाफ वी टी तो रहेगा ही प्लस हाफ वी नॉट टी, वन माइनस हाफ करो ना, हाफ ही बचता है ना, वी नॉट टी तो सेम है। तो यहां से आप, मैं यहाँ पे हाफ टी कॉमन लेता हूं, या फिर ऐसे भी इसको ले सकता हूँ, हाफ वी प्लस वी नॉट टी, ऐसा लिख सकता हूँ, v प्लस हाफ और t को मैंने बाहर कॉमन लिया है, t को मैंने बस पीछे साइड कॉमन ले लिया और कुछ नहीं, और v प्लस वी नॉट उसके अंदर ब्रैकेट में आ गया, ठीक है। तो ये x की वैल्यू एक आ गई, बट अभी तक तो तीसरा इक्वेशन आया नहीं है। तो ये जो t है यहाँ पे, t, ठीक है बच्चों, ये जो t है यहाँ पे, इसके बदले हम लोग कुछ सब्सटीट्यूट करने वाले, वो भी आपका जो पहला इक्वेशन है ना उसी से आएगा। तो पहला इक्वेशन देखो यहाँ पे, क्या इधर से मैं टी के बदले क्या लिख सकता हूं, इस इक्वेशन से वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, ऐसा लिख सकता हूं, ये टी के बदले ए को आप उधर दे दो,
तो वी माइनस वी नॉट अपॉन टी हो, सॉरी ए हो जाता है टी के बदले। तो बस ये टी के बदले ये पुट करने का, ये टी के बदले ये चीज पुट करने का है, ठीक है। तो जो एक्स होगा वो होगा हाफ वी प्लस वी नॉट, इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, देखो वी प्लस वी नॉट अपॉन टू, एक ब्रैकेट हो गया और ये हो गया वी माइनस वी नॉट अपॉन ए, ठीक। क्या मेरे को ये फॉर्मूला दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है। अब ये इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, ठीक, यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ। यहाँ से x इज इक्वल्स टू, ये देखो ये a प्लस बी है और ये माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, बी स्क्वायर माइनस बी नॉट स्क्वायर अपॉन, ये तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई है ना बीच में, तो टू ए हो जाएगा, ठीक है। अब टू ए को उसके पास भेज दो, तो ये हो जाएगा टू ए एक्स इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर, ठीक। अब वी नॉट जो है माइनस में उसको उधर भेज दो, सो देयरफॉर जो वी स्क्वायर आएगा वो क्या आएगा, वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो बच्चों ये आ गया आपका तीसरा काइनामेटिकल इक्वेशन, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए एक्स। तो तीनों काइनामेटिकल इक्वेशन आपका आ गया, पहला दूसरा तीसरा। और जो पहला आया वो तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया कैसे आया था, और ये दो, ये दोनों आया, ये आपका पहले से ही आया, पहले वाले इक्वेशन से ही आया, ठीक है बच्चों। तो ऐसे आपको आपने डिराइव कर लिया तीनों काइनामेटिकल इक्वेशन, ठीक। तो चलिए आगे देखते क्या है। अब बच्चों मैं इसको क्या करता हूँ, दो चीज में डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अभी जो आपका काइनामेटिकल इक्वेशन आया ना वो दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। तो देखो दो पार्ट में कैसे डिवाइड होता है दोनों का, जो पहला जो मैं अभी लेके आया जो तीनों इक्वेशन, वो एट अ टाइम जब टाइम जीरो था तो जो ऑब्जेक्ट का पोजीशन था वो भी जीरो था, तब जब ये अपना जो तीन इक्वेशन आया वो वैलिड रहेगा। कौन कौन सी इक्वेशन अभी जो मैंने आया ना डिराइव किया, तो ठीक है बच्चों ये आपका तीनों इक्वेशन डिराइव अभी हमने किया था। तो ये कब था, ये जब ऑब्जेक्ट जो था एट टाइम जीरो पे उसका डिस्प्लेसमेंट भी जीरो था, ठीक है, उस ऑब्जेक्ट का, तब ये तीनों इक्वेशन आपका काइनामेटिकल इक्वेशन तब ये आता है। लेकिन अगर मेरा टाइम जीरो पर ऑब्जेक्ट का पहले से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट हो, लेट से एक्स नॉट, ठीक है, यहां पे तो डिस्प्लेसमेंट जीरो था ऑब्जेक्ट का, लेट यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं कि पहले से उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट पहले से कुछ ना कुछ है, तो जो तीनों इक्वेशन आएगा वो देखो कैसे चेंज होता है। तो देखो ये पहला वाला में तो डिस्प्लेसमेंट नाम का कुछ चीज है ही नहीं, है ना, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन और टाइम है, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है, v इज इक्वल्स टू v नॉट प्लस at। दूसरे वाले इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट है, तो भैया जो इसमें फाइनल डिस्प्लेसमेंट है वो होगा इनिशियल डिस्प्लेसमेंट को भी एड करना पड़ेगा, ठीक है, बाकी एज इट इज रहेगा। बस आपने यहाँ पे क्या किया, एक्स नॉट को एड कर दिया, जो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट था ना उसको एड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे तो जीरो था बट यहाँ पे कुछ ना कुछ है। थर्ड इसमें भी डिस्प्लेसमेंट है, तो जो आपका फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगा उस इनिशियल वेलोसिटी स्क्वायर, ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज, बस डिस्प्लेसमेंट का चेंज होता है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो होगा एक्स माइनस एक्स नॉट, ठीक, ये जो एक्स है उसके बदले एक्स माइनस एक्स नॉट हो जाएगा, वो एक्स नॉट फाइव हो सकता है, थ्री हो सकता है, यहाँ पे तो जीरो था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है, लेट से मैंने एक्स नॉट लिया, तो ऐसे आपका चेंज होगा, ठीक है। तो ये समझा आपको बच्चों, ठीक है, ये किस कंडीशन में आते हैं ये तीनों इक्वेशन, और ये तीनों इक्वेशन किस कंडीशन में आते हैं, ओके, याद रहेगा, ओके। तो चलिए अब उसके ऊपर एग्जांपल्स देख लेते हैं, जो भी एग्जांपल है आपके टेक्स्ट बुक में, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 3.3, ठीक है। तो इसमें क्या बोला है कि ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलस। इसमें मैं क्या बोला है कि आपको इक्वेशन लेके आने का है, ठीक है, ऑफ मोशन, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो मोशन में, इसका मतलब पहले से उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ये याद रखना, पहले से कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मतलब हम लोग ये तीनों इक्वेशन डिराइव करने वाले हैं, ठीक है, ये तीनों इक्वेशन हमने डिराइव नहीं किया ना, ये तीनों तो डिराइव कर लिया है, ठीक है बच्चों। तो हम लोग ये तीनों भी डिराइव करने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3.3 में, ठीक है। तो बच्चों उसके पहले ना हम लोग इंटीग्रेशन देख लेते, ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे इसके पहले हम लोगों ने डिफरेंशिएशन देखा था, तो हम लोग इंटीग्रेशन देख लेते क्या होता है। इंटीग्रेशन बच्चों बिल्कुल उल्टा होता है डिफरेंशिएशन का, ठीक है, डिफरेंशिएशन का। तो
तो अगर डिफरेंशिएट देखो क्या होता है कि कोई भी अगर कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, बहुत बड़ा ले लो कोई भी बड़ा ऑब्जेक्ट है, तो अगर मैं उसके छोटे से पार्ट का अगर एक इक्वेशन लूँ और उसको अगर मैं इंटीग्रेट कर दूँ, ठीक है, इक्वेशन लेके, तो वो पूरे बड़े पार्ट का वैल्यू आ जाता है, समझे आप? तो यही आपका इंटीग्रेशन काम करता है, ठीक है? तो इंटीग्रेशन आप क्या समझ सकते हो, बिल्कुल उल्टा है आपका डिफरेंशिएशन का। तो इसके हम लोग कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं, ठीक है, कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले, ज्यादा नहीं। तो बच्चों अभी देखो मैं आपको बताता हूँ, ये देखो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना रहता है, ये फंक्शन देखना रहता है। तो ये फंक्शन आपका डीटी रहता है, यहाँ पे भी डीटी है, यहाँ पे भी डीटी है, यहाँ पे डीवी है, यहाँ पे डीवी है, यहाँ पे डीटी है। तो डीटी मतलब हो गया बेसिकली टी, टी से फंक्शन रिलेटेड है। तो इंटीग्रेशन ऑफ, आप सिर्फ डीटी करोगे, वन को छोड़ दो, भूल जाओ, ठीक है, वन इंटू डीटी विल बी डीटी ओनली। तो इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ डीटी करोगे तो टी आता है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ डीटी करोगे, ये फंक्शन रहता है विद रिस्पेक्ट टू डीटी रहता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन विद रिस्पेक्ट टू डीटी, तो टी आता है, प्लस सी आता है। इंटीग्रेशन अगर आप करते हो तभी प्लस सी हमको लगाना पड़ता है, ठीक है। एक दूसरा होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल, एक होता है इंटीग्रेशन, दूसरा होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो डेफिनेट इंटीग्रल और इंटीग्रेशन में क्या फर्क है, तो जैसे अगर इंटीग्रेशन ऑफ वन डीटी यहाँ पे भी लेते हो, ठीक है, तो अगर इसकी कुछ ले रहे हो, 0 से लेके 5 तक ले रहे हो, तो ये आ गया डेफिनेट इंटीग्रल, मतलब इसका जो लिमिट तय कर रहे हो। इसमें क्या होता है कि लिमिट हम लोग ले लेते हैं, मतलब यहाँ पे 0 से लेके 5 तक, 1 से लेके 2 तक, T1 से लेके T2 तक। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा बच्चों वो क्या होगा, T 0 से लेके 5 तक, मतलब यहाँ पे देखो कोई लिमिट नहीं है, इसके हम लोग सी लगाते हैं, प्लस सी, मतलब इसमें अब कितना भी और वो बड़ा वैल्यू हो सकता है, अपने को पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसका लिमिट तो लगाया ही नहीं है कहाँ से कहाँ तक है। तो इसका 0 से 5 तक लगा दिया, तो इसमें हम लोग प्लस सी नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो जब प्लस सी नहीं लगाते तो हम लोग इसमें अपर लिमिट डालते हैं, टी के बदले माइनस लोअर लिमिट करते हैं, मतलब टी के बदले पहले आप 5 डालो, माइनस टी के बदले फिर 0 डालो, तो इसकी वैल्यू आती है 5। ये समझा बच्चों कैसे आया, ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ 5। अब दूसरा देखो, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, तो ए तो कॉन्स्टेंट है, अगर मैं डी टी की बात करूं तो डी टी के हिसाब से ए आपका कॉन्स्टेंट रहेगा, तो कॉन्स्टेंट हमेशा बाहर निकलता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अभी मैंने ऊपर बताया ना क्या होता है, टी होता है, तो ए इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस सी लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है, इसमें कोई लिमिट नहीं दिया है। तो सपोज वही मैं लिमिट ले लूँ यहाँ पे सेम, अगर आप क्या ले सकते हो यहाँ पे, T1 से लेके T2 तक लिमिट ले लो, तो T1 से लेके T2 तक, तो ए डी टी इसका इंटीग्रेशन करोगे तो जो आएगा वो ए टी, जो भी यहाँ पे ए टी आया ना, बस यहाँ पे प्लस सी नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है T1 से लेके T2 तक। तो यहाँ पे आप क्या ले सकते हो, ए ए को बाहर रखो, T2 माइनस T1, तो ये होगा आपका फाइनल अपर टी टी जो फंक्शन रहता है ना वो टी रहता है यहाँ पे, तो टी के बदले आपको वैल्यू पुट करना है। अब ये जो इंटीग्रेशन है ए टी, तो ए टी ए यहाँ पे कॉन्स्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, बट टी यहाँ पे कॉन्स्टेंट नहीं रहेगा, टी डी टी का फंक्शन है, ठीक है, तो ए तो बाहर ही निकलेगा ए, बट टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, टी का जो इंटीग्रेशन होता है यहाँ पे T^1 है, कुछ नहीं तो T^1 है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन होगा T^2, T^1 का T^2 होगा, ठीक है, T^1+1/1+1, यहाँ पे 1 है ना, T^2 T^1+1/1+1, तो प्लस सी होता है, क्यों प्लस सी, क्योंकि ये इंटीग्रेशन है। तो इसका डेफिनेट इंटीग्रल सपोज मैं लेता हूँ 0 से लेके वही सेम ले लो 5 तक, तो इसका अगर मैं करूँ ये सेम फंक्शन AT.DT लेता हूँ, तो इसका जो आएगा वो A T^2 लिमिट यहाँ पे लग जाएगा, बस फिर वही करना आपको, टी के बदले क्या लेना है, पहले 5 लेना है, ए को ए तो कांस्टेंट है ना, ए तो अंदर एक बाहर ही रख दो ए को, तो टी के बदले पहले 5^2 - 2 हो गया, -0^2, तो इसका जो भी वैल्यू आएगा आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ V^2 dV है, अब देखो यहाँ पे फंक्शन dV है और उसका जो dV है उसका भी फंक्शन है V, उसका फंक्शन V होता ही है ना, dV का फंक्शन V होता है। तो यहाँ पे अगर टी दिया रहता गलती से T.dV, तो टी यहाँ पे कांस्टेंट हो जाता, ठीक है, तो ये याद रखना। तो ये देखो ये हो गया V^2, तो फंक्शन V^2, तो ये रेस टू जो भी रहता है ना वो हमेशा प्लस वन हो जाता है, मतलब V^2 है, तो V^2 + 1 दैट इज 3/2 + 1 दैट इज 3, V^3 / 3 + C, ठीक है,
तो यही वो लिमिट में आपका दिया हो सकता है। लिमिट में जैसे आप ले लो V1 से लेके V2 तक ले लो, ठीक है, तो V1 से लेके V2 तक आप लेते हो, तो आप वही चीज लगाओ। मतलब क्वेश्चन तो मैं ऐसे एज इट इज लिख रहा हूँ, बस इंटीग्रेशन में आपको लिमिट लगाना है। तो जब लिमिट लगाते तो ये प्लस सी हट चला जाता है, प्लस सी गेट लॉस्ट हो जाता है। तो V3/3 V1 से लेके V2 तक, तो इसका क्या आएगा, V के बदले पहले V2 रखो, V2 या चाहे तो 1/3 बाहर निकाल सकते हो। तो मैं, चलो कोई बात नहीं, V2 का क्यूब अपॉन 3 - V1 का क्यूब अपॉन 3, ठीक है। तो ये डेफिनेट इंटीग्रल में आता है, ठीक है बच्चों। तो वैसे ही हो गया, यहाँ पे ए वी डी वी है। तो अब मैं डेफिनेट इंटीग्रल नहीं आपको बता रहा हूँ, आपको डायरेक्ट सिर्फ ये बता रहा हूँ, जैसे ए वी डी वी है, तो यहाँ पे ए वी के हिसाब से, वी तो आपका फंक्शन है, तो ए कॉन्स्टेंट है, ए आपका बाहर निकलेगा और इंटीग्रेशन ऑफ वी होगा विद रिस्पेक्ट टू डी वी। तो वी का इंटीग्रेशन V^1 है, मतलब V^1 + 1 2/2 + C। अब प्लस सी जब डेफिनेटली यहाँ पे कुछ लिमिट रहेगा 1 से लेकर 2 तक या जो भी लेगा लिमिट, तो यहाँ पे प्लस सी नहीं आएगा, बस लिमिट लग जाएगा इसके तरह। अब इंटीग्रेशन ऑफ वी डी टी है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वी डी टी हो गया, अलग अलग फंक्शन आ गया है। अगर आप इसमें बोला है कि आपको वेलोसिटी कॉन्स्टेंट लेना है, क्वेश्चन में बोला हुआ है, तो वेलोसिटी आपको इसको कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट अगर आप इसको रखते हो वेलोसिटी को, तो वी बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी होगा। इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है, ऊपर देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी इज टी टी इनटू डी टी प्लस सी क्यू, क्योंकि इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है। जब आपका लिमिट लगेगा, जब भी आपका लिमिट लगता है, तो इसमें प्लस सी नहीं आता है, फिर वो लिमिट से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो उसको हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल में बताते हैं, ठीक है। ये इंटीग्रेशन होता है, ये डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो जो भी हम लोग यहाँ पे अभी एग्जाम्पल नंबर 3.3 में यूज करेंगे, वो डेफिनेट इंटीग्रल यूज करेंगे। फॉर्मूला इंटीग्रेशन का लगेगा, लेकिन हम लोग यूज क्या करेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल, फॉर्मूला इंटीग्रेशन का ही लगता है, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल में जानना है इंटीग्रेशन, तो आप पहले आप इंटीग्रेशन का टॉपिक देख सकते हो, मैथ्स का लेक्चर कोई देख सकते हो, ठीक है दोस्तों, ठीक है बच्चों। मैथ्स का आप इंटीग्रेशन का अगर पूरा डिटेल में जानना है, तो आप मैथ्स का लेक्चर देख लो, नहीं तो बेसिक बेसिक फॉर्मूलेज आप देख लो, बस उससे ही आ जाएगा, ठीक है। मैथ्स आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस चीज को, बट इसमें थोड़ा थोड़ा मैथ्स है, तो इसके लिए करना ही पड़ेगा। तो बच्चों, अभी हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3.3 पे आते हैं। तो आपको क्वेश्चन में दिखाया था कि हम लोग को वो डिराइव करना है इक्वेशन, ठीक है। सो डिराइव करते हैं और क्या, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं जी। अब देखो, आपको पहला चीज क्या मालूम है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आपको क्या मालूम है, dv/dt, ये तो पता है भाई, हमें भी पता है। तो यहाँ पे जो है, उसने पहले बोल दिया है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, मतलब ये टर्म जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये बाहर निकल जाएगा, ठीक है। सो इसको मैं dt को ना मैं इधर इधर लेके जाता हूँ, dt को मैं यहाँ पे लेके आता हूँ, a.dt इज इक्वल्स टू dv। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है विथ लिमिट, ठीक है, विथ लिमिट मतलब वो डेफिनेट इंटीग्रल होता है। तो जैसे आप इंटीग्रेट करते हो इंटीग्रेशन, तो ये टाइम है ना, टाइम dt है, तो जो जो भी आपका टाइम है वो आप 0 से लेके t तक लोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन है ना, मोशन, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में आप हमेशा टाइम तो 0 से स्टार्ट होता है ना, कोई भी एट टाइम स्टार्ट होता है नहीं, 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर t तक। तो ये हो गया a, तो a dt हो गया। दोनों जगह मैं इंटीग्रेशन लगा रहा हूँ दोनों जगह, बट जो लिमिट है वो फंक्शन के हिसाब से लेना है। फंक्शन यहाँ पे dt है, तो टाइम का लेना है फंक्शन 0 से t तक। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का फंक्शन क्या रहेगा, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी dv। यहाँ पे मैंने डेफिनेट इंटीग्रल लगाया, ये कुछ नहीं है तो मतलब बने है ना, कुछ नहीं है तो बने। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दो, इंटीग्रेशन a यहाँ पे मैंने पहले ही बताया कॉन्स्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में ही बोला है, तो एक कॉन्स्टेंट टर्म बाहर निकालो, बाहर निकाला तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेके t तक, यहाँ पे भी dt का होगा और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन v0 से लेके इनिशियल से फाइनल तक dv का होगा। अब हमने इंटीग्रेशन मैंने इसके पहले बताया, ये 1 है, कुछ नहीं है, तो ये तो कॉन्स्टेंट टर्म है a, तो इंटीग्रेशन ऑफ dt क्या होता है, वॉट इज dt, इंटीग्रेशन का t, बताया था ना यार, t लिमिट क्या लेंगे 0 से लेके t, यहाँ पे प्लस सी लगाएंगे नहीं लगाएंगे, क्यों, डेफिनेट इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन मतलब डेफिनेट इंटीग्रल है ना इसके लिए। और यहाँ पे क्या हो, इंटीग्रेशन ऑफ dv, v लिमिट v0 से v, देख लो इसके पहले फॉर्मूला मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे a तो कांस्टेंट है, तो जो t है, तो उसके बदले में पहले t रखते हैं, माइनस t के बदले फिर 0 रखते हैं, ठीक है, पहले t रखेंगे माइनस 0। यहाँ पे भी जो v है
अरे दोनों ने वी नॉट ले लिया क्या, सॉरी। तो यहाँ पे जो वी है सबसे पहले उसके बदले वी रखेंगे माइनस वी नॉट रखेंगे, वी पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बच्चों। अब ये टी माइनस जीरो तो टी होता है, मतलब ये ए टी हो गया, ये क्या होगा वी माइनस वी नॉट, तो माइनस वी नॉट को आप उधर उधर लेके जाओ तो क्या बनता है, बनता है हमारा इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन, v इज इक्वल्स टू वी नॉट प्लस ए टी, जो कि हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है बच्चों। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, याद आया, तो ये पहला इक्वेशन बन गया। यहाँ पे हमेशा मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, यहाँ पे जो एट ए टाइम ये जो हम लोग निकाल रहे क्वेश्चन में जो पूछा है, एट ए टाइम t इज इक्वल टू जीरो जो बॉडी स्टार्ट हो रहा है उसका कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट है, हम लोग उसका हम लोग ये इक्वेशन निकाल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसके पहले वाला जब आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो था उसका तो इक्वेशन हम लोग निकाला हुआ है, बट हम लोग अभी ये इसका इक्वेशन निकाल रहे हैं, जब डिस्प्लेसमेंट आपका एक्स नॉट है तब, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट है तभी। तो ये तो मेरा जो मैंने आपको बताया था इसमें तो डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं टर्म, तो यहाँ पर ये एज इट इज रहेगा। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन निकालते हैं बच्चों, ठीक है। तो दूसरा इक्वेशन निकालने के लिए आपको वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वेलोसिटी क्या होता है भाई, डी एक्स बाय डी टी को इधर फेंक दो डी एक्स। अब आपको वही सेम इंटीग्रेट करना है, तो इंटीग्रेट करोगे तो यहाँ पे जो रहेगा टी डी टी फंक्शन है, बट वी भी है यहाँ पे, ठीक है, वी भी एक फंक्शन है यहाँ पे, वी बोला नहीं है क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट है, क्वेश्चन में खाली है ये बोला है कॉन्स्टेंट है, तो ये हो गया जीरो। बट डी टी मेन तो आपका डी टी है ना, फंक्शन यहाँ पे टी टी रहेगा, ठीक है, तो हम लोग टी लेंगे जीरो से लेके टी, क्योंकि जो टाइम है वो इनिशियली स्टार्ट जीरो से ही हो रहा है और एट टी कोई भी टाइम रह सकते हैं, वी डॉट डी टी। ये हो गया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एक्स नॉट, क्योंकि मैंने आपको पहले लिख दिया इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहां से स्टार्ट हो रहा है एक्स नॉट से डीएक्स, ठीक है। अब देखो बच्चों ये जो वी है ये कोई ना कोई फंक्शन है, वो तो बात सही है, तो वी के बदले मैंने पहला जो मेरा इक्वेशन आया था पहला ये है ना, वी के बदले मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नॉट प्लस ए टी लिख सकता हूँ, ठीक है, वी नॉट प्लस ए टी डॉट डी टी इज इक्वल्स टू, ये हो गया एक्स नॉट एक्स डी एक्स, ठीक है, ये लिमिट डेफिनेट इंटीग्रल ले रहा हूँ। अब बच्चों मैं क्या करूंगा, ये जो डी टी है इसको भी दे दूंगा और इसको भी दे दूंगा, जीरो से टी वी नॉट डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से टी ए टी डॉट डी टी, दोनों को डी टी डी दिया, दोनों को इंटीग्रेशन दिया, ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नो कन्फ्यूजन, एक्स नॉट से एक्स तक ए डी एक्स, ठीक है, कोई नो कन्फ्यूजन। अब ये बच्चों ये देखो ये इनिशियल वेलोसिटी है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है बच्चों यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, जो भी बॉडी जब स्टार्ट होता है वो कांस्टेंट रहता है, इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है, तो वी नॉट आपका कांस्टेंट है, तो वी नॉट जब कांस्टेंट है तो वो तो बाहर निकल जाएगा इंटीग्रेशन के, तो बच गया सिर्फ डी टी, तो डी टी का आप इंटीग्रेशन करते हो तो क्या आता है, मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूँ, क्या आता है बताओ, टी आता है ना, और लिमिट जीरो से टी तक, वी नॉट आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट में बाहर निकलता है, प्लस यहाँ पे ए कांस्टेंट है, पहले ही मैंने बताया हुआ है क्वेश्चन में दिया है ए कांस्टेंट है, दूसरा क्या है टी, तो टी का ए कांस्टेंट मतलब ए बाहर निकल गया ना, इंटीग्रेशन के बाहर निकल जाता है, तो टी का आप इंटीग्रेशन करते हो तो टी का इंटीग्रेशन करते हो तो टी स्क्वायर बाय टू आता है, टी रेस टू वन है ना यहाँ पे, तो टी रेस टू वन प्लस वन अपॉन वन प्लस वन, तो वन प्लस वन टू होता है, ठीक है, प्लस ही नहीं लगाएंगे आपको पता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिमिट दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, ये देखो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे जो फंक्शन है वो डी एक्स है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेट होगा वो एक्स आएगा, जैसे डी टी का टी आता है वैसे डी एक्स का एक्स आएगा, सिंपल है ना, इंटीग्रेशन सॉरी लिमिट एक्स नॉट से एक्स तक, ठीक है ना भाई, समझ में आ जाता है। अब देखो टी के बदले टी माइनस जीरो डालते हैं तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ वी नॉट टी आता है, टी माइनस जीरो का तो टी आएगा प्लस, अब आपको ये भी टी के पहले टी के बदले टी डालना फिर जीरो डालना, तो जीरो होता जीरो हो जाएगा ना, तो डायरेक्ट मैं टी लेता हूँ ए टी स्क्वायर बाय टू माइनस जीरो हो गया ना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते तो लोअर लिमिट तो जीरो है, तो बेसिकली वो जीरो हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पे किया था ना तो जीरो ही हो गया। अब ये देखो अपर लिमिट यहाँ पे क्या है, एक्स है माइनस लोअर लिमिट है एक्स नॉट, ओ बच्चो ओ
अब देखो ये जो माइनस एक्स नॉट है, क्या मैं उसको इधर फेंक दूं, मतलब इधर लेके जाऊं, इज इक्वल टू क्या? तो जो मेरा इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट को मैं इधर लेके आया, प्लस वी नॉट टी प्लस ए टी, या यू कैन से हाफ भी ऐसे कर सकते हो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ ए टी स्क्वायर। तो बच्चों ये कौन सा इक्वेशन है, कुछ याद आ रहा है? हाँ भाई याद आ रहा है, ठीक है। तो ये आपका सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। तो मेरा पहला इक्वेशन मिल गया, सेकेंड इक्वेशन मिल गया। देखो यहाँ पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एडेड है, तो ये आपका दूसरा इक्वेशन मिल गया। अब तीसरा इक्वेशन निकालते हैं। तो बच्चों तीसरा इक्वेशन निकालने के लिए हम लोग एक्सप्रेशन का फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू, ये कौन सा एग्जांपल था, 3.3 था ना, वही चल रहा है, गलती से भी रफ हो गया। ए इज इक्वल्स टू डी वी बाय डी टी, ओके। अब ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, बड़ा ही ध्यान से, क्या डी वी को मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, डी वी बाय डी एक्स इन टू डी एक्स बाय डी टी, सिंपल है ना, डी एक्स सॉरी डी टी यार डी टी, तो dx dx अगर कैंसिल करते हो तो वही बचता है ना dv by dt। तो क्या भाई मैं ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो ये टर्म क्या होता है, ये टर्म होता है v, velocity, displacement upon time। तो जो मेरा acceleration आता है वो क्या आता है, v dot dv by dx, क्या यही आ गया, v dot dv by dx, क्योंकि ये मेरा पूरा टर्म वेलोसिटी हो गया, ठीक है। तो जो मेरा एक्सेलरेशन है बच्चों ये आया। अब हम इधर उधर करते हैं, मतलब dx को इधर लेके आते हैं, तो a डॉट dx हो गया और इसको v डॉट dv रखते हैं, ठीक है। इंटीग्रेट करते हैं दोनों जगह पे, इंटीग्रेट इंटीग्रेट, यहाँ पे dx है फंक्शन, तो x नॉट से x तक, a तो यहाँ पे कांस्टेंट है, पहले ही से बात हो चुकी है, एक्सेलरेशन यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोल दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, तो इनिशियल से फाइनल वेलोसिटी तक v डॉट dv। अब a कांस्टेंट है, तो a को कांस्टेंट, तो a इंटीग्रेशन के बाहर आएगा, डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है, इसका लिमिट दिया एक्स नॉट से एक्स तक। वी का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू डी वी, तो वी का इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, वी रेस टू वन है, तो वी रेस टू वन प्लस वन दैट इज टू अपॉन वन प्लस वन टू, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है एक्चुअली, तो फॉर्मूला आप इंटीग्रेशन में देख सकते हो, लिमिट आपका ये रहेगा सॉरी वी नॉट से वी तक, ओके। तो अब फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं, तो ए को तो बाहर ही रखो, फाइनल हो गया एक्स, इनिशियल हो गया एक्स नॉट, मतलब अपर लिमिट पहले वैल्यू डालो माइनस लोअर लिमिट के बदले डालो वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे भी सेम, पहले अपर लिमिट डालो वी स्क्वायर बाय टू माइनस लोअर लिमिट डालो वी नॉट स्क्वायर बाय टू, पहले वी के बदले अपर लिमिट, फिर वी के माइनस वी के, पहले देखो पहले वी के बदले अपर लिमिट डालना माइनस फिर वी के बदले लोअर लिमिट डालना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, ऐसा वैसा वैसा कैसा तो आ रहा है, ठीक है। तो आगे आगे देख, आगे मैं क्या कर सकता हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ यार, ठीक है। आप देखो ये जो टर्म है टू, यहाँ पे हाफ लिख देता हूँ मैं, इसको क्या करता हूँ ए लिखता हूँ, एक्स में साथ में ले लूँ क्या, नहीं एक्स को ऐसे ले देता हूँ क्योंकि ये फॉर्मूले में एक्स माइनस एक्स नॉट ही आता है, इसको हाफ फॉर्मूला ले लो, तो अंदर बचता है वी स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर, ठीक, वी स्क्वायर समझ में आता है, ठीक है। मार्कर थोड़ा डार्क है, अब ये जो 2 है वो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये डिवाइड में ना यहाँ पे, तो 2a x माइनस एक्स नॉट, ये बच गया वी स्क्वायर माइनस वी नॉट स्क्वायर। अब वी नॉट स्क्वायर जो माइनस में, उसको इधर लेके आ जाओ, तो मेरा वी नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस, ये हो गया ना आपका तीसरा इक्वेशन भी आ गया, v इक्वल टू वी स्क्वायर, therefore v square क्या आएगा इक्वल टू v नॉट स्क्वायर प्लस 2a x माइनस x नॉट, ठीक है बच्चों। तो ये आपका तीसरा इक्वेशन भी डिराइव्ड हो गया, ओके, ठीक है। तो ये हो गया आपका एग्जांपल नंबर 3.3, ये बोला था आपको इक्वेशन डिराइव करने के लिए, ठीक है। तो अगर ऐसा बोला रहेगा तो आप समझ जाना कि इसमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है, तो उसका आपको डिराइव करना है इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग द मेथड ऑफ कैलकुलस, कैलकुलस में यही आता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब हम लोग एग्जांपल नंबर 3.4 देखते हैं, और दो एग्जांपल देखते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में करेंगे।
अब बच्चों जो एग्जांपल नंबर 3.4 है वो पहले मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन रीड करना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मैं आपको पहले समझा देता हूँ, फिर मैं आपको टेक्स्ट बुक सामने रख दूंगा, आप रीड कर लेना। इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि एक बंदा है वो टावर पे खड़ा है, ठीक है, टावर पे खड़ा है, वो टावर ग्राउंड से 25 मीटर की दूरी पर है, वो टावर के ऊपर छत के ऊपर खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे वो खड़ा है। तो वो अब क्या करता है कि वो बॉल यहां से फेंकता है ऊपर, ठीक है, तो बॉल ऊपर इतना तो वेलोसिटी से फेंके, यानी कि वो धरती के बाहर निकल जाए, ठीक है, अर्थ के बाहर निकल जाए, है ना, वो एक 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 टाइम पे उसकी वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो जीरो होनी है बॉल की, ठीक है, तो जब भी जीरो होगा तो वो बॉल वो वापस नीचे आएगा, वो ग्राउंड पे आएगा, ठीक है, तो यहाँ पे ग्राउंड पे आएगा, इतना समझा बच्चों। तो जो बॉल का फाइनल डिस्प्लेसमेंट होगा, अब देखो ये आपका वाई एक्सिस के तरफ है ना, ये वर्टिकल है, मतलब आप वाई एक्सिस समझ लो, ऐसा एक्स एक्सिस होता है, ऐसा वाई एक्सिस, तो ऊपर की तरफ हम लोग वाई से मैं डिनोट करूंगा, जो भी आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा ना यहाँ पे मैं वाई से डिनोट करूंगा, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वाई रहेगा, फाइनल डिस्प्लेसमेंट वाई, वो जीरो रहेगा, ठीक है, क्योंकि बॉल फाइनली वो नीचे ही आने वाला है ना, ग्राउंड पे आने वाला है, तो उसका फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, जीरो, और ये y आपका डिस्प्लेसमेंट है, पहले ही मैं बता देता हूं, मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को y से डिनोट कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि ये वर्टिकल है मतलब y एक्सिस पे है, ठीक है, ज्यादा नहीं उसके बारे में रिपीट करूंगा बार बार, चलो ठीक है। अब ये जो है यहाँ पे, अब देखो तो इतना तो अपने को दिया हुआ है, इतना जो डिस्टेंस है वो दिया हुआ है 25 मीटर, ठीक है, तो लेट से ये हो गया आपका वाई नॉट, इनिशियल पहले ही आपका दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट। अब ये पूरा हो गया आपका यहां से लेके, जब बॉल यहाँ पे जीरो होता है ना, ये पूरा हो गया आपका वाई, ये पूरा कितना हो गया वाई, तो जो बंदा खड़ा है टेरेस पे तो इतना कितना होगा डिस्प्लेसमेंट यहां से लेके यहां तक, सोचो ये पूरा वाई है, इतना वाई नॉट है, ये देखो इतना वाई नॉट है, ये पूरा वाई, ये इतना वाई नॉट, तो ये पार्ट कितना होगा वाई माइनस वाई नॉट, इतने का डिस्प्लेसमेंट जो बंदा टेरेस पे खड़ा है और जहां तक बॉल गया, इतने का डिस्प्लेसमेंट y माइनस वाई नॉट, सिंपल है ना, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो है, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या रहेगा बताओ, हाँ अब बताओ इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या रहेगा, ये ऊपर वाला रहेगा या फिर यहाँ पे जो बंदा जिस डिस्टेंस पे खड़ा है वो रहेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ये हमेशा याद रखना, तो जो बंदा खड़ा है वो यहाँ पे खड़ा है ना कुछ, तो जो भी आपका इनिशियल रहेगा डिस्प्लेसमेंट वो ये रहेगा, ये यहाँ पे ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट रहेगा, मतलब 25 मीटर, और जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट रहेगा यहाँ पे जीरो रहेगा, ठीक है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट 25 मीटर, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जीरो, ये जो ऊपर का डिस्प्लेसमेंट ये जो है ना वाई माइनस वाई नॉट काउंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बॉल ऊपर से नीचे आ रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट तो हमको पहले ऊपर गया फिर नीचे आया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेज डिस्टेंस होता, तो हम लोग यहाँ से सिर्फ यहाँ काउंट करेंगे, ये ऊपर का क्यों काउंट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है भाई, डिस्टेंस थोड़ी ना है, ठीक है, तो ये हो गया आपका ये पार्ट, अब इतना तो समझ में आ गया। तो इसमें पूछा क्या है भाई, पूछा क्या है, अब देखो जब बॉल नीचे आएगा तो एक एक्सेलरेशन से आता है नीचे, ऊपर गया पहले उसने एक फेंका एक्सेलरेशन से और नीचे आएगा एक एक्सेलरेशन, जो एक्सेलरेशन होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से, तो जब बॉल ऊपर से नीचे आता है तो वो टुवर्ड्स दी नेगेटिव वाई एक्सिस आता है ना, नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस, तो इसके लिए हम लोग ए इक्वल टू माइनस जी लेंगे, ठीक। अब देखो इसमें क्या होता है कि अगर आप कोई भी एक फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो ना, कोई भी एक फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकते हो तो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी रहती है, v नॉट से मैं डिनोट करता हूँ इनिशियल वेलोसिटी, तो उसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ रहती है, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो नहीं रहेगा, तो यहाँ पे आपको समझा ना, कोई भी आप ऑब्जेक्ट को एक फोर्स से फेंकोगे तो इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी, तो यहाँ पे भी इनिशियल वेलोसिटी लोगों ने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है लोगों ने 20 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, 20 मीटर पर सेकेंड आपका इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे दिया हुआ, मतलब बॉल उसने एक वेलोसिटी से फेंका है, ठीक है, और फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, तो मतलब इनिशियल वेलोसिटी 20 हो गया, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो होगा, ठीक है, सिंपल है, तो यही आपका गिवन है। तो अब इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको ये करना है कि ये आपका जो हाई, यहां से बंदे ने फेंका तो ये जो हाइट होगा कितने हाइट तक वो बॉल जाएगा, मतलब ये y माइनस y नॉट फाइंड करना है,
और दूसरा चीज जो फाइंड करना है कि टाइम कितना लगेगा, टाइम कितना लगेगा जब जब बॉल वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब टोटल आपको टाइम फाइंड करना है यहां से लेके यहां से लेके यहां तक जो भी टोटल टाइम होगा ना वो फाइंड करना है, ठीक है। तो बस ये दोनों क्वेश्चन पूछा है आपको, तो देख लो आप क्वेश्चन एक बार रीड कर लो, मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन, आई क्वेश्चन क्वेश्चन पॉज करके एक बार रीड कर लो बच्चों, ठीक है। पॉज किया, रीड किया आपने, ठीक है। अब चलिए इसका आंसर करते हैं। अब देखो इतना तो मुझे समझ में आ गया भाई कि क्या क्या जो दिया है। तो बच्चों हम लोग ए वाला पहले फाइंड करेंगे, ए ए जो है आपका पूछा है वो ये जो हाइट फाइंड करेंगे वाई माइनस वाई नॉट। तो काइनेमेटिक इक्वेशन आपको पता है किसमें वाई माइनस वाई नॉट आता है, हाँ किसमें आता है बताओ, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर प्लस टू ए वाई माइनस वाई नॉट, इसमें आता है। इसमें वी अब फाइनल वेलोसिटी जो कि जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी जो कि 20 का स्क्वायर हो गया, टू ए एक्सेलेरेशन क्या है माइनस 10, एक्सेलेरेशन माइनस 10 क्योंकि माइनस जी है ना वो, और y माइनस वाई नॉट तो आपको फाइंड करना है भाई। तो ये जीरो का स्क्वायर तो जीरो ही बच होगा, ये 400 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 2 2 4 जीरो, दो जीरो लगा दो ये माइनस हो गया, 10 हो जाए 20 y माइनस वाई नॉट। अब बच्चों क्या करना, आप 400 माइनस 20 कर देना, ठीक है ना, बिल्कुल मत करना क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो ये बेवकूफ़ी होगी। तो आप क्या करो, ये जो पूरा टर्म है माइनस में इसको जीरो के पास लेके आ जाओ, तो ये हो गया 20 वाई माइनस वाई नॉट इज इक्वल्स टू 400। अब ये 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इसके साथ इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, दैट विल बी 400 अपॉन 20, जीरो जीरो गया 220 जा, तो जो वाई माइनस वाई नॉट मिला मुझे, ये जो डिस्टेंस है इतना वो मिला 20 मीटर, ठीक है बच्चों। हम लोग बी वाला टर्म फाइंड करते हैं, बी ए आपको मिल गया। अब बी वाला क्या बोला है कि टाइम आपको फाइंड करना है कि जब बॉल ग्राउंड को हिट करेगा पूरा तो टाइम कितने टाइम में हिट करेगा, कौन से टाइम में, ठीक है कौन से टाइम में हिट करेगा बॉल। लेट्स से चलो बी वाला फाइंड करते हैं रफ करके। तो बच्चों जो बी वाला आएगा उसमें आपका टाइम आना चाहिए, ठीक है। तो टाइम कौन से वाले इक्वेशन में आता है, वाई इज इक्वल्स टू वाई नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाले इक्वेशन में देखो है ना, यहाँ पे क्या था, एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट प्लस वी नॉट टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही था ना। तो बस हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बदले वाई लिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनल डिस्प्लेसमेंट क्या था यार, हाँ जीरो था ना, याद करो इनिशियल डिस्प्लेसमेंट क्या था, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने 20 था, 20। इनिशियल वेलोसिटी क्या था, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी इनिशियल डिस्प्लेसमेंट आपका 25 था ना, याद करो यार y क्या था यहाँ पे, रुको मैं लिख देता हूँ, y आपका 0 था, y नॉट आपका 25 0 मीटर, y नॉट आपका 25 मीटर था, v नॉट इनिशियल वेलोसिटी दिया था उसने कुछ 20 मीटर पर सेकंड दिया था बॉल को, टाइम तो फाइंड करना है यहाँ पे, एक्सेलरेशन यहाँ पे माइनस 10 था, ठीक है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया या v नॉट यहाँ पे हो गया 20, टाइम तो आपको फाइंड करना है, प्लस हाफ ए हो गया आपका माइनस 10, ये हो गया टी स्क्वायर, क्योंकि टी तो फाइंड करना है, टी अपने को पता ही नहीं है। सो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल्स टू 25 प्लस 20 टी माइनस 2 5 10 इट इज 5 टी स्क्वायर डिवाइड बाय थ्रू आउट बाय 5 कर दो तो 0 डिवाइड बाय 5 5 ही होता है, सॉरी 0 ही होता है, 25 डिवाइड बाय 5 विल बी 5, 20 डिवाइड बाय 5 विल बी 5 4 टी 20 माइनस 5 1 5 तो टी स्क्वायर। अब इस पूरे इक्वेशन को मैं इधर लेके आता हूँ जीरो के पास, ये साइड में लेके आता हूँ और जीरो को उधर, जीरो का तो कोई साइन होता नहीं है तो जीरो आप इधर उधर किधर ही भेज दो, इसका कोई साइन नहीं होता है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इधर लेके आता हूँ तो ये होता है प्लस टी स्क्वायर माइनस में, ये माइनस 40 हो जाएगा और ये माइनस 5 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता है बच्चों, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व कैसे करते हैं, ये जो लास्ट में टर्म है ये कुछ नहीं है ना, ये 1 है तो 1 × −5 − 5 − 5 को ऐसा आपको स्प्लिट करना है ताकि ऐड करने में −4 है, तो ऐड 5 × 5 और मल्टीप्लाई करने में −5 है, तो 5 × 5 ओके −5 + 1 कर दो, −5 + 1 − 4 आता है और −5 × + 1 − 5 आता है, ठीक है। तो आपको क्या लेना है, टी स्क्वायर −5 t मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है, मिडिल टर्म को मैं स्प्लिट कर रहा हूँ, प्लस टी
माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन टी है, टी माइनस फाइव अंदर बचेगा, इन दोनों में वन कॉमन है, टी माइनस फाइव अंदर बचेगा इज इक्वल टू जीरो। तो इन दोनों में पूरा कॉमन क्या है, टी माइनस फाइव है, टी माइनस फाइव कॉमन है और ब्रैकेट में बचेगा टी स्क्वायर प्लस वन। तो ये हो गया टी माइनस फाइव इज इक्वल टू जीरो, तो टी इज इक्वल टू फाइव सेकेंड। और दूसरा अगर निकालते हैं टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वन हो जाता है, तो ये वैलिड ही नहीं है टी स्क्वायर। फिर टी क्या होगा, अंडर रूट ऑफ माइनस वन, ये कौन सा टाइम होता ही नहीं है ना इतना, तो फिर ये इमेजिनरी नंबर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपका जो टाइम होगा ये फाइव सेकेंड होगा, जो भी टाइम आएगा फाइव सेकेंड, मतलब जब ग्राउंड बॉल को हिट करेगा एट अ टाइम फाइव सेकेंड पे हिट करेगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 3.4, ठीक है बच्चों। अब एक लास्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं 3.5। तो बच्चों ये जो आपका 3.5 एग्जाम्पल है वो बोला है कि डिस्कस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर फ्री फॉल निगलेक्ट एयर रेजिस्टेंट, ठीक है। मतलब जो आपका ऊपर से बॉडी नीचे गिरता है ना उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। चलो डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3.5। तो बच्चों अब इसमें क्या है, देखो इसमें बेसिकली हाँ इसमें क्या है कि फ्री फॉल की बात के बारे में डिस्कस करना। तो इसमें क्या होता है कि एक चीज अब याद रखना कि जो भी बॉडी, सपोज ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर से ऐसे सिर्फ छोड़ रहा हूँ नीचे, तो ये ड्यू टू ग्रेविटी वो नीचे जा रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। बस इसके जो बीच जब जा रहा है ना नीचे, तो एयर नहीं होना चाहिए, हवा नहीं होना, इसको हवा रोकना नहीं चाहिए, ठीक है। एयर रेजिस्टेंट वहां पे नहीं होना चाहिए, तो उसको ही हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं। समझा बच्चों, फ्री फॉल मतलब मैं ऊपर से किसी भी बॉडी को मैंने छोड़ दिया, लीव कर दिया, टेरेस पे आप जाओ छत के ऊपर, वहां से किसी भी बॉडी को सिर्फ छोड़ दो, सिर्फ छोड़ दो, आपको थ्रो नहीं करना है, क्योंकि आपने जैसे उस पे उसको थ्रो किया बॉडी को, मतलब आपने इनिशियल वेलोसिटी भी वहां पे डाल दिया, ठीक है। जैसे आप किसी बॉडी पे फोर्स लगा के थ्रो करते हो तो हमेशा आप इनिशियल वेलोसिटी डालते हो उसके अंदर, लेकिन जैसे आप सिर्फ छोड़ देते हो तो आप वहां पे कुछ भी इनिशियल वेलोसिटी वहां पे दे नहीं रहे, क्योंकि उस पे फोर्स लगा ही नहीं रहे हो, सिर्फ वहां पे छोड़ रहे हो, ठीक है। तो जैसे आपने किसी बॉडी को लिव किया छत पे जाके, तो बस एयर रेजिस्टेंट वहां पे नहीं होना चाहिए, हवा एयर का रेजिस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो वो बॉडी आपका फ्री फॉल में कंसिडर होता है, ठीक है। वो बॉडी फ्री फॉल, फ्री फॉल हमेशा ग्रेविटी के टुवर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फ्री फॉल, टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, हमेशा जो बॉडी अट्रैक्ट होती है टुवर्ड्स दी ग्रेविटी, इसको हम लोग फ्री फॉल बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो जो जिस भी जो ऑब्जेक्ट है आपका नीचे की तरफ जा रहा है, तो वो किसके 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 मतलब किससे जाता है, मतलब कौन उसको खींचता है, ग्रेविटी खींचता है। तो जो ग्रेविटी खींचता है उसका एक एक्सेलरेशन होता है, जिसको हम लोग जी से डिनोट करते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी, ठीक है। तो जो इसका वैल्यू होता है, स्मॉल जी का वैल्यू वो होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या होता है कि जो बॉडी नीचे गिर रहा है उसका एक्सेलरेशन हर पॉइंट पे 9.8 मीटर पर हर सेकेंड में, हर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब सेकेंड को स्क्वायर मतलब समझ रहे हो, मतलब हर सेकेंड के हाफ हाफ मतलब यू कैन से स्क्वायर रूट में, हर सेकेंड के स्क्वायर रूट में, ठीक है। सेकेंड स्क्वायर बढ़ रहा है ना यार, पर सेकेंड स्क्वायर, आप समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है कि उसका जो बॉडी का जो एक्सेलरेशन है हर पॉइंट पे 9.8 मीटर इंक्रीज हो रहा है, मतलब जैसे बॉडी नीचे जाता है ना वैसे वेलोसिटी आपका इंक्रीज होता रहता है, इंक्रीज होता रहता है, मतलब बहुत तेजी से वेलोसिटी जाता है। कोई भी आप छत से कूदो, कोई भी आप 20वें फ्लोर पे चले जाओ, 20th फ्लोर पे चले जाओ, वहां से अगर आप कोई भी कुछ भी मतलब कुछ भी फेंकते हो तो बहुत तेजी से जाता है, जैसे जैसे नीचे जाता है वैसे वैसे बहुत तेजी से जाता है वो बॉडी, ठीक है। क्योंकि एक्सेलरेशन उसमें कांस्टेंट है 9.8, हर एक पॉइंट पे वो उसका एक्सेलरेशन लग रहा है 9.8, ठीक है। अब इसमें आपको एक फैक्ट की बात बताना चाहूंगा, इंटरेस्टिंग बात, कि अब देखो आप क्या करो, दो ऑब्जेक्ट लो, ठीक है, या फिर दो पत्थर ले लो यार, बड़े बड़े पत्थर ले लो, एक लो आप 10 किलो का, दूसरा आप लो 50 किलो का, ठीक है। आप छत पे चले जाओ तो दोनों को अगर आप छोड़ते हो, ठीक है, दोनों को आप ले जाके छत के ऊपर छोड़ते हो, तो क्या होता है कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है ना वो साथ में ही नीचे गिरेंगे। मैंने उसमें फोर्स नहीं देना आपको, अलग से वेलोसिटी फोर्स देके नहीं फेंकना, सिर्फ आपको ले जाके छोड़ देना है, ठीक है, छत के ऊपर।
तो अब क्या देखोगे कि दोनों जो ऑब्जेक्ट है वो साथ में नीचे गिरते हैं, साथ में नीचे गिरेंगे। एक कितना बोला था मैं, 50 kg वाला और एक 10 kg वाला, ठीक है, दोनों पत्थर साथ में नीचे गिरेंगे। ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा और ये बाद में आएगा, नहीं ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, दोनों साथ में ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे गिरेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि दोनों पे जो एक्सेलरेशन लगता है नीचे की तरफ वो सेम ही लगता है ना यार, 9.8 निकाला हुआ है, 9.8 m/s² सेम लगता है, तो मास में यहाँ पे लेना देना ही नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वही आप कोई हल्का चीज लेके ले लो, जैसे सपोज 50 g का ले लो, 50 g का, 50 g का और एक 50 kg का ले लो, ठीक है, तो अगर ये दोनों भी ऑब्जेक्ट आप नीचे छोड़ोगे ना जमीन पे, तो ये दोनों भी साथ में ही गिरेंगे, लेकिन ये जो 50 g वाला है वो हवा की वजह से वो उड़ते 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 पता नहीं किधर चला जाएगा, तो इसके लिए थोड़ा लेट गिरेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हवा नहीं रखना है, अगर जब हवा नहीं रहेगा तो दोनों ऑब्जेक्ट साथ में नीचे गिरेंगे, ये 50 g वाला और 50 kg वाला दोनों साथ में नीचे गिरेंगे। जब हवा नहीं रहेगा तब, हवा रहेगा तो ये तो लेट ही गिरेगा, सीधी सी बात है, हवा की वजह से पता नहीं वो किधर चला जाएगा, ठीक है। तो ये फैक्ट वाली बात है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो हम लोग फ्री फॉल की बात कर रहे थे, तो फ्री फॉल में मैंने अभी आपको बताया कि ऑब्जेक्ट कोई भी आपका ऊपर से नीचे गिरता है विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज 9.8। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे जो एक्सेलरेशन लेते हैं वो नेगेटिव क्यों लेते हैं, दैट इज -g क्यों लेते हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ गिर रहा है ना, हम लोग एक्सिस की बात करें तो नीचे गिर रहा है मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन रहता है उसको हम लोग -g लेते हैं। आप समझे, कोई भी बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेशन रहेगा वो -g में रहेगा, क्योंकि वो नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, आप एक बार रीड भी कर लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा जो मैं समझा रहा हूँ, बस आपको रीड करना और कुछ नहीं चाहिए। तो आप नोट भी कर लो जो जो मैंने अभी आपको बताया, अपने हिसाब से आप नोट कर लो, ठीक है, आपको जैसा भी समझता है हिंदी में इंग्लिश में जैसा भी समझता है आप नोट कर लो, इंग्लिश में करोगे तो ज़्यादा बेटर है, आपको इंग्लिश भी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया इसको हम लोग -g क्यों लेते हैं, ठीक है। अब देखो एक और फैक्ट वाली आपको बात बताता हूँ कि हम लोग 9.8 क्यूब कब लेते हैं। देखो ये आपका अर्थ है, अर्थ तो मैंने बहुत छोटा बना दिया, ठीक है, तो जो अर्थ है उसका रेडियस जो रहता है, रेडियस अराउंड 6400 किलोमीटर रहता है, 6400 सोचो कितना किलोमीटर। तो उसके कंपैरिजन में अगर मेरा हाइट, अगर आप कोई भी अर्थ के ऊपर ऑब्जेक्ट ले जाओ तो 100 किलोमीटर तक, चलो 50 किलोमीटर तक भी आप लेके जाओ, तो देखो आप दोनों में कितना फर्क है, ये 6400 किलोमीटर और ये 50 किलोमीटर तक है ऊपर, तो 50 किलोमीटर तक मतलब आप ऊपर जाओगे ना तो तभी भी आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट लगता है, दैट इज 9.8 लगता है। लेकिन आप सपोज चले गए किधर, आप चले गए 600 किलोमीटर पे चले गए, सॉरी 6000 किलोमीटर पर चले गए, तो यहाँ पे आप जाओगे ना तो जरूरी नहीं आपका एक्सेलरेशन 9.8 लगेगा, उससे कम लग सकता है, जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा उससे कम लगेगा, क्योंकि आप इसके पास में हो ना, रेडियस ऑफ द अर्थ के बहुत पास में हो, तो बहुत ज्यादा अगर ऊपर आप जाते हो ना अर्थ के ऊपर तो जो आपका एक्सेलरेशन लगे आपके ऑब्जेक्ट पे वो बहुत कम, इससे कम लगेगा, 9.8 से कम लगता है, ठीक है। तो हम लोग इतना ऊपर तो जाते नहीं है, 6000 किलोमीटर तक, कितना 50 किलोमीटर भी कितना ऊपर हो जाएगा, आप जानते हो 50 किलोमीटर बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग जो एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी लेते हैं वो बेसिकली 9.8 लेते हैं, क्योंकि इतना ऊपर भाई कौन जाता है, 50 किलोमीटर भी बहुत ऊपर हो जाएगा, ठीक है। सो ये आपको समझा। अब बच्चों इसका हम लोग कुछ ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है बच्चों कि जो ऑब्जेक्ट है हम लोग रिलीज करते हैं ना, फोर्स नहीं लगाते यहाँ पे, रिलीज करते हैं, तो जो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि हमने फोर्स तो लगाया नहीं है, सीधी सी बात है ना, हाँ फोर्स तो लगाया नहीं है हमने, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपका 0 रहेगा, ये इनिशियल वेलोसिटी 0 रहेगा, सीधी सी बात है, ठीक है, ये आप याद रखना। और जो एक्सेलरेशन रहेगा यहाँ पे, जो एक्सेलरेशन रहेगा वो क्या रहेगा, मैंने अभी बताया ऊपर से जब बॉडी नीचे जाता है तो -g रहता है। तो जो आपके 3 इक्वेशन ऑफ मोशन आए थे वो देख लेते जरा क्या क्या आए थे। एक आया था, क्या आया था जरा बताओ बताओ बताओ, v=u+at, यही आया था। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा बताओ, v के बदले v रहेगा, u के बदले, सॉरी v नॉट था ना ये, हमने इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से, वी नॉट 0, ए के बदले -g t, मतलब ये जो इक्वेशन बनेगा वो क्या बनेगा, v =
क्या बनेगा बताओ, माइनस जी टी, इसका मतलब जी की वैल्यू आपको पता है -9.8 meter per second square, तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे -9.8 t, ठीक है, इसका ले सकते हो मीटर पर, ठीक है, जरूर वेलोसिटी का यूनिट वही हो गया ना मीटर पर सेकंड, चलो ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन से आपका ये है v = -9.8 t। तो इसका मैं ग्राफ की बात करूं तो इसका ग्राफ मैं बनाता हूं यहाँ पे, ये देखो ये टाइम होगा, ठीक है, और ये एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन की अगर मैं बात करूं तो पॉइंट, अगर आप 5 लोगे यहाँ पे 10 लेते हो तो 10 के थोड़ा सा ऊपर 9.8 रहेगा ना, यहाँ पे 10 के थोड़ा सा ऊपर 9.8 रहेगा, तो 9.8 से आपका एक सीधा लाइन जाएगा, मतलब ये माइनस में क्योंकि माइनस में एक्सेलरेशन, तो 9.8 से एक सीधा लाइन जाएगा। ये क्या बताता है ग्राफ की, जो एक्सेलरेशन है वो आपका कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट है तो मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन कांस्टेंट मतलब वेलोसिटी आपका बढ़ता रहता है, ठीक है, बट यूनिफॉर्मली बढ़ता है, ठीक है, वेलोसिटी आपका यूनिफॉर्मली बढ़ता है, बट एक्सेलरेशन यहाँ पे 9.8 लाइन। तो ये हो गया आपका पहला ग्राफ, टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन आपका, ये एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्सिस, -9.8 रहेगा। दूसरा जो इक्वेशन है y = क्योंकि ये ऊपर से नीचे जा रहा है ना, वर्टिकल है, तो इसके लिए मैं डिस्प्लेसमेंट के बदले y ही लूंगा, ठीक है। तो y = क्या था बताओ भाई, y = क्या था, डिस्प्लेसमेंट x = vt था ना, x = इक्वेशन बताओ यार, v0t था, ठीक है, तो v0t +0.5 at square, ठीक है, ये मेरा वो वाला इक्वेशन नहीं है, ये मेरा वो वाला इक्वेशन है, एट टाइम t 0 पे इनिशियल वेलोसिटी 0 रहता है, ये इससे ये वाले जो इक्वेशन है ना वो वाला इक्वेशन है, सीधी सी बात है ना, इनिशियल वेलोसिटी 0 है यहाँ पे देखो, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और यहाँ पे इनिशियल अपना डिस्प्लेसमेंट भी 0 रहता है, ठीक है, ऐसा कंसिडर करेंगे। तो देखो इसमें हम लोग जो लगाएंगे इक्वेशन, देखो तो क्या आएगा, y = v0 के बदले क्या है 0 into t -g t square, सो दैट विल बी y = ये तो 0 हो गया, 0 into t विल बी 0, तो -half 9.8 लगा तो g की वैल्यू t square, सो इसका क्या आता है माइनस, इसको 2 से कैंसिल करो तो 2 4 8 2 9 8, तो ये आता है -4.9 t square, तो जो आएगा यहाँ पे y डिस्प्लेसमेंट आएगा -4.9 t square। देखो ये बढ़ रहा है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा आएगा, काफी तेजी से बढ़ रही है डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ, सो ये हो गया डिस्प्लेसमेंट माइनस, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस में, ये टाइम हो गया, सो जो, अरे एक मिनट यार, ये हमने किसका निकाला था, हाँ माइनस जी टी का निकाला था, ये बराबर है, ठीक है, ठीक है जी, तो ये हमने किसका निकाला है, वाई टी वी, ये वाई का ही निकाला है ना, हाँ बराबर वाई टी का, तो इसका जो रहेगा देखो इसका बहुत तेजी से डिस्प्लेसमेंट बढ़ता है, बहुत तेजी से, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा ना वैसे वैसे डिस्प्लेसमेंट बहुत तेजी से बढ़ता है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ते जा रहा है ना कॉन्स्टेंटली, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे बढ़ेगा, ठीक है, तो ये आपका वाई का ग्राफ हो गया, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट वाला ग्राफ देखते हैं, वेलोसिटी और टाइम का, तो ये इक्वेशन से आपका ये ग्राफ आ गया, वेलोसिटी टाइम का देखते हैं। अगला जो इक्वेशन है तीसरा वाला इक्वेशन ये है ना, v0² + 2as, ये इक्वेशन है, तो v के बदले मैं क्या लेता हूँ, v तो v रहेगा ना यार, v के बदले कुछ नहीं होगा, v नॉट के बदले 0² + 2a, a क्या है आपका -g, s is s only, डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट ही रहेगा ना यार, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट y लेगा, ठीक है, ये y एक्सिस में हो रहा है ना इसके लिए डिस्प्लेसमेंट, तो ये v² = ये हो गया 9.8 लगा दो यहाँ पे, 2 into 9.8 - 9.8 y, सो v² = ये होगा -19.6 y, तो ये हो गया v² इतना आएगा -19.6 y, तो इसमें जो ग्राफ आएगा वेलोसिटी का कुछ ऐसा ग्राफ आएगा वेलोसिटी ऑन टाइम का, तो वेलोसिटी और जो टाइम का ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन इसमें क्या है कांस्टेंट है ना,
तो जो वेलोसिटी और टाइम का जो ग्राफ रहेगा वो स्ट्रेट लाइन रहेगा। मैंने आपको बताया था जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहता है, तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन कांस्टेंट कितना है, -9.8 g है, तो इसके लिए उन दोनों के बीच का जो ग्राफ रहेगा वी वर्सेस टी का, वो स्ट्रेट लाइन आता है। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ग्राफ हो गया। ठीक है बच्चों, तो बच्चों वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, और अगर आप अनलाइक कर रहे हैं तो आप कमेंट में बता दें भाई क्यों अनलाइक कर रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए गुड बाय, अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग मिलते हैं। ठीक है।